राधे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ किचन की नींबू वाली टिप्स, जो कि कुछ मेरी प्यारी प्यारी बहन है उन सबके लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है ये टिप्स। तो सबकी शिकायत रहती है कि नींबू बाहर रखे रखे मतलब सूख जाते हैं, तो आज मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ नींबू के ऊपर, और जिससे कि आपके नींबू बिल्कुल नहीं सूखेंगे फ्रेंड्स। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए देख रहे हो, और जिससे कि मेरी नई नई रेसिपी, नई कोई किचन टिप्स वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे नींबू कुछ हरे भी हैं और कुछ पीले भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको कि आप 1 केजी नींबू कैसे हफ्ते भर से भी ज्यादा आप बिल्कुल अच्छे से रख सकते हैं, बिल्कुल आपके नींबू नहीं सूखेंगे। तो यहाँ मैं न्यूज़पेपर को ले लिया है और इसमें कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब नींबू इतना हमें न्यूज़पेपर लेना है फाड़ के कि हमारा एक नींबू रैप हो जाए बिल्कुल अच्छे से। तो हमें नींबू को अच्छे से रैप करना है फ्रेंड्स, और एक अच्छे से सूखे कंटेनर में हमें इसे रख लेना है जो ढक्कन वाला हो। तो यहाँ मैंने एक ऐसे चौड़ा सा बाउल लिया तो उसमें ढक्कन भी है, तो इस तरीके से मैं जितने भी नींबू हैं सबको अच्छे से रैप कर लूंगी। तो आप 1 केजी नींबू ले लें और इस तरीके से आप हफ्ते भर से भी ज्यादा अपने नींबू घर में रख सकते हो। और अभी नींबू काफी सस्ता भी आ रहा है और लॉकडाउन भी चल रहा है तो इकट्ठे लेके रख लेते हैं, तो इस तरीके से आप नींबू को हफ्ते भर से ज्यादा के लिए स्टोर करके रख सकते हो। और नींबू ऐसी चीज है, हमें हर चीज में जरूरत पड़ती है, सब्जी में भी और शिकंजी के लिए। अभी गर्मी भी काफी चल रही है तो इस तरीके से आप नींबू ले सकते हो और अब नींबू को रैप करके अच्छे से रख सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं सारे नींबू रैप कर लूंगी। और फ्रेंड्स, मेरा दूसरा चैनल है लड्डू गोपाल दीवानी क्राफ्ट, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एक बार चेक जरूर करना। और डिस्क्रिप्शन चेक करना फ्रेंड्स, मैं और भी रेसिपी वहां पर ऐड कर देती हूँ, तो वहां से भी आप रेसिपी देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी डाल रखी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं आप सारे नींबू को रैप कर लूंगी, और जो मेरे हरे नींबू है ना वो भी इस तरीके से रैप कर देंगे तो वो भी हल्के हल्के से पीले पड़ जाएंगे रखे रखे। तो आप इस तरीके से, ये बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स। और न्यूज़पेपर आराम से घर में मिल जाता है, और ऐसे तो कुछ नहीं है कि न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं जब भी नींबू मुझे लगता है कि मार्केट कुछ सस्ता है तो मैं ऐसे 1 केजी ले लेती हूँ और इस तरीके से मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो कभी भी जब भी जरूरत पड़ती है मुझे तो मैं नींबू को निकालती हूँ, और जो न्यूज़पेपर है जो मैं नींबू निकाल लेती हूँ तो उसको मैं फेंकती नहीं, मैं उसी के अंदर उसी के ऊपर रख देती हूँ, इस तरीके से ही ऊपर रख देती हूँ, फेंकने से कुछ नहीं। तो जब भी अगर हम नींबू लें तो फिर से भी हम यही पेपर एक आध बार तो और यूज भी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार हमने न्यूज़पेपर लिया और रख के फिर फेंक दी, नहीं फ्रेंड्स, इसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हो। इसी के ऊपर रखते जाओगे, नींबू निकाल लोगे, न्यूज़पेपर इसमें रख दोगे तो फिर से आप नींबू लोगे तो फिर इसी से रैप कर लेना। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स। और तो यहाँ पे मैंने पूरे नींबू अच्छे से रैप कर लिए फ्रेंड्स, और अभी हमें करना क्या है तो हमें इसको अच्छे से ढक देना है। तो ऐसे बाउल में रखें जिससे कि आप ढक सको, इतना हमें पैक भी नहीं करना है, बस हल्की सी थोड़ी सी मतलब बस ढक जाए अच्छे से। आप कोई अगर ऐसा नहीं है तो कोई प्लेट से भी ढक सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं रख दूंगी फ्रीज में इस तरीके से, तो फ्रीज में रख देना है हमें पेपर रैप करके, तो आपके नींबू बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रहेंगे और काफी दिन तक चलेंगे फ्रेंड्स। तो ये अगर मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी हो नींबू की तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलती हूँ एक नई टिप्स लेके राधे राधे।